निगोहा के राती गांव में दबंग पड़ोसी ने पड़ोस में रह रही महिला के घर में घुसकर लाठी डंडों से उसकी जमकर पिटाई कर घायल कर दिया। पीड़ित महिला ने निगोहा थाने पहुंचकर मामले की तहरीर दी। वहीं पुलिस ने तहरीर लेकर घायल महिला को उपचार के लिए सीएचसी भेजा। तहरीर पर हल्का दरोगा न होने का हवाला देकर चलता कर दिया गया। राती गांव के रहने वाले मजदूर सर्वेश की पत्नी उर्मिला रावत ने बताया कि रविवार की देर रात पड़ोस में रह रहे गिरजा शंकर शराब के नशे में अपने परिवारी जनों के साथ मिलकर लाठी डंडों से लैस होकर उसके घर में घुस आया और पुराने विवाद को लेकर उस पर टूट पड़े और जमकर उनकी पिटाई कर लहूलुहान कर दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची 112 की पुलिस ने घायल महिला और आरोपी गिरजा को लेकर के थाने आए। वहीं पुलिस ने उर्मिला द्वारा दी गई तहरीर लेकर के उसे उपचार के लिए भेज दिया है और देर शाम तक हल्के दरोगा न होने का हवाला देकर कार्यवाही का आश्वासन देकर चलता कर दिया। एसआई धर्मेंद्र ने बताया कि जांच की जा रही है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं राजधानी लखनऊ से। आपके क्या नाम है? क्या नाम है आपका? उर्मिला। किस गाँव से हूँ? राती ग्राम पंचायत से। कल क्या मामला हुआ था? कल जब मैं उसके मान गाली गुफ्तारी देतना है तो हम कहन उल्टा सीध गाड़ी ना दे तुम्हारे बिटिया आवा या मरे बिटिया सा आनी है उल्टा सीध गाड़ी गुफ्तारी ना दिया बस आए हैं भीतर दे आए जी के मार रहे लागे मार मना आवा काम करते तो भी छोड़ा इन गाड़ी ला दी गया है। जिसने मारा है बिपच कौन है? आपके सगे वाले हैं या कससे भाई? अच्छा अच्छा आपके बिरादरी ही है। किस बात को लेकर हुआ है मारपीट? मारपीट गाली गुफ्तारी दे दें घर के भीतर आज के हमका मारिन काफी दिन का सरगरियावत यही मुले हम बोली तो नहीं आई हम कहते हैं हुआ ही हम ना बोली। किस बात को लेकर हुआ है ये मामला हो रहा है? बात कौनू नहीं है हमारी उनके बाद कौनू नहीं गाली देके आते हैं बस गाली दारू पी के आते हैं गाली गुफ्तारी देते हैं उल्टा सी। नहीं आपकी कोई पूर्व रंजिश है या किस बात पर ये मारपीट हुआ इतना बड़ा? किस चीज से मारा गया आपको? हमका साहब गिराए परे रहा हम ना जाने कि हमरे का मारेंगे हमरे ध्यान नहीं ना। थाने में लिखी शिकायत दी है आपने? आपने थाने में लिखी शिकायत दी इसकी? हाँ। रात में सब खूना कच्चर